भाई सुधा के माई पासबुक दी, आज हम पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल के बटुक जी के दे आवतानी। जब तक उनका हाथ में पैसा ना रखाएं, उनका मुंह बंद ना होई। देखी जी, रूरा हमार मानी तो जरूर उन लोग पैसा दे आई, लेकिन हमारा समझ से ना ये बात रूरा के सुधा और दामाद जी के बता देवे के चाहिए, नहीं तो हमेशा की तरह वही हुई, हमनी के चुप रह जा और लोग हमनी के फायदा उठाओ जाएंगे। तो वही वाला बात हुई कि लाजे भावा बोलस ना, अभावे भसरू छोड़स ना। सुधा, ए सुधा, अब ऐसे बैठल राखू कि एहिजा आइबू महारानी जी। अरे हमरे देह में तो ऐसे ही आग लगल बा, तरकारी में कितना नून मिर्चा तू झोंक देले मारो। अरे एक काम भी सहूर के ना कर सकेलो, कैसन बेसहूर पतोह मिलल भी हमरा के। अरे बेटा, हमनी के नसीब के ही सब दोष बा, आज तो हमनी के भूखे ही सूते के पड़ी। अरे बड़ा पसंद से लेके आई बड़ा ना, पर मेहरारू आज भूखे सुतिया भगुआ। देखी रुआ, बात तो ठीक कहा था, लेकिन तनी यो तो सोची कि ऐसा कैला से बटुक जी और उनकर मेहरारू नाराज हो गए लोग, तब कहीं वो लोग ई मान लेलस कि हमने उ लोग पर भरोसा नहीं की करत। अगर ऐसन भइल तो वो लोग नाराज हो जाए और ओकर खामियाजा हमरा बेटी सुधा के भुगते के होई। देखें हमने जौन कुछ भी कर रहे बानी वो अपने बेटी के खुशी के खातिर कर रहे बानी ना। अब अगर पैसा देला के बाद भी सुधा के सजा भुगते के पड़े तब ती पैसा दे के का फायदा। ऐसे हम चुपचाप पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल के बटुक जी के दे आवता, आगे जौन उनका मन करे, लेकिन ये बात हम सुधा के अपना मुंह से ना बता पाए, कहे कि वो भी परेशान हो जाए और फिर उन लोग के बीच भी मन मुटाव होई। और वैसे भी सुधा अब वही परिवार के हिस्सा भी आ। ठीक बा, मत बताए रुरा सुधा के, लेकिन कम से कम रुरा अपना बड़की बेटी विवाह के तो बता सकता नहीं। रुरा हमरा कैसे मत देखी, रुरा तो जानते बानी कि हमरा अपना गलती के बढ़िया से एहसास हो गई बा। अब हम उहे कुमुद नहीं की, हम बदल चुकल बानी। देखी रुरा हमार बात मानी, रोहरा कम से कम ये बात विवाह के बता दी, वो समझदार भी है, मौका देख के ये बात दामाद जी के सुधा के बता दी, समझ रहल बानी न रोहरा? ठीक बा सुधा के माई, काला हमने विवाह के यहाँ चलल बा। हमार मन बहुत घबरा रहल बा भौजी, अब का हुई, भैया से बात कैसे हुई? यही तो हम सोच रहे बानी बबनी, हम फूल जी से वादा करके आयल बानी कि ई रिश्ता के बारे में रहा और भैया से बात करब, लेकिन ये बात तो रहुआ सब भली तरह से जानता नहीं कि रहा और भैया हमरा से कबो भी ना तो बोले ना बतियाओले। भौजी रहुआ एकदम मत घबराई और रहुआ एकदम चिंता भी मत करी। अब देखी ना पहले से अब ये घर के माहौल कितना निम्मन हो गई बा, और हमने के पूरा भरोसा बा कि आगे भी ये घर के माहौल एकदम अच्छा हो जाए और रहुआ और भैया के मन के खटास हमेशा हमेशा खातिर दूर हो जाए। और देखिए सब कुछ निमन होए के बाद ना हमने के मिल के मीता दीदी और फूल जी के रिश्ते के बारे में बात करो, ठीक बा? हाँ भौजी, साँच कहीं ता रोरा ये सब चिंता कल एकदम छोड़ दी, अब तो हमनी सभी भी रोरा साथे बने। हाँ
रवई का करल बानी पड़ के बबनी लाई दी हमरा के हम कर देता नहीं ना सारा काम लाई दी ना छोड़ी हमरो तो कुछ काम करे के चाही ना घर में ई काम हम ही कर लेते नहीं रवा जाई कुछ और काम करे के बा तो कर ली लौकी कहीं ऐसे कटल जाला का लाई दी हमरा के हम काट देते हैं का भेल बड़की बबनी रवा इतना परेशान काहे लागत है नहीं बताई ना का बात बा रवा तबियत तो ठीक बानू बबनी मैं तो बहुत ही चिंता हो रहा अल्पा बताई ना आखिर बात का बा देखी बबनी हमरा लगा था कि कोनो ना कोनो ऐसा बात तो जरूर बा जन रवा के बहुत भीतर ही भीतर परेशान कर रहा अल्पा बताई ना बबनी आखिर बात का बा एगो बात हो गई बा हमरा साथे लेकिन हमरो तो ये समझ में नहीं आवत कि हम कहीं तब कहीं कैसे देखिए बड़की बबनी जौन भी बात पा रहो हमरा से आसानी से साफ साफ कह सकेले उसका मैं कोनो दिक्कत नहीं कह हाँ बबनी रहो के जौन भी परेशानी बा रहो हमरा से बेझिझक बता सकेले हाँ पर का हमने ई बात रवा कमरे में चल के शांति से कर सकीले हाँ मम्मी चली ना अब तो बता दी पबनी आखिर का बात बा रवा इतना काहे परेशान मानी भौजी हमके अपना गलती के एहसास हो गई बा हम रहुआ से माफी मांगे के चाहता नहीं आज तक हमने रहुआ के बहुत परेशान कहले बानी ना बबनी ऐसा कोनो बात नहीं की बताई बबनी आखिर का बात बा काहे रहुआ इतना परेशान बनी भौजी फूल जी का भेल फूल जी के बबनी हमार मतलब कि का कहले पड़े फूल जी रहुआ सर भौजी हमरा से बहुत बड़न गलती हो गई बा लेकिन लेकिन पहले रहुआ वादा करी कि ये बात केहू के भी ना बताई मैं तो मैं तो हमरा भैया के और उनका साथे साथे ये घर के इज्जत मिट्टी में मिल जाए रवा रवा हमारा विश्वास करे पबनी हम ई घर के पतो हई और ई घर और रवा सबे अब हमार पानी इसे ई घर के इज्जत अब हमार इज्जत पर और हम अपना जीते जी केहू के भी इज्जत पर आँच ना आवे दे
बताई बबनी आखिर का बात बा, साफ साफ बताई। ठीक ही भौजी, ये सब बात बता के हम रहुआ के परेशान करे के ना चाहत रहनी है, लेकिन हमरा आगे दूसर कौन रास्ता भी तो देखे। दरअसल बात ही बा भौजी की फूल जी, फूल जी, फूल जी हमरा साथे, फूल जी हमरा साथे प्यार के नाटक कैले, प्यार के नाटक कैले। तू हमरा के, तू हमरा के छोटा सपना दिखले, हम उनका के ना पहचान पावनी, ना पहचान पावनी, ना जान पावनी की, ना जान पावनी उनका प्यार एक छलावा ही है, एक छलावा ही है। और हम उनका से प्यार कर बैठनी, प्यार कर। हाँ भौजी, हम उनका के ना पहचान पाऊनी और भावना में बह के उनका के खूब सारा प्रेम पत्र लिख देनी, लेकिन अब वो बदल गए बड़े, कह रहे बड़े के वो हमरा से कौनो प्यार व्यार ना करे ले, का जिंदगी में क्यों और लड़की आ गई बा के वो और से प्यार करे लगले। की भौजी, वो हमार पहला प्यार हो, वो प्यार हमरा कोनो काम ना आए, वो हमरा से प्यार ना करे ले। ये बात कहते भी हम खुद के और अपना मन के जा ली थी, लेकिन हम अब लाख मिन्नत कैला के बाद भी वो हमार लिखल प्रेम पत्र हमरा की लौटावत नहीं कर, कह तरह की वो प्रेम पत्र उनका के बहुत काम के चीज होला। रहुआ बताए ना भाभी, जब रिश्ते ना रहते तो ये प्रेम पत्र कौना काम आ सकेला। और तो और वो जो अपने दुकान के प्रचार खातिर हमरा फोटो निकलते बानी, वो है सगरो नेगेटिव, उन्हीं के पास था। कहीं ऐसा ना होई थी वो नेगेटिव के फोटो निकाल के वो हमरा के कोनो दिन बदनाम करी। भौजी, हमरा के तो बहुते डर लगता, कहीं कल जब हमार ब्याह होई ये फोटो और ये पत्र हमरा सामने कोनो परेशानी बन के हम पसारे खड़ा ना हो जाए, या उकरा के हथियार बना के वो हमरा पर या हमार इज्जत पर कीचड़ ना उछाल ले। ओ जी, जितना हम ये बारे में सोच रहे बा हमार परेशानी और बढ़ जाता, हमरा तो समझ में नहीं आवत कि हम करी तो करी का। भौजी, हमनी खातिर अब रहुआ एकमात्र सहारा बानी, कैसे वो करके हमरा के ही भवर से निकाली और कौनो तरीका से हमार लेकर प्रेम पर वो भूल कुमार से वापस ले आई, तो कहीं भैया के पता चल गए हम पुनपुन नदी में कूद के अपना जान दे दे, भावे अपना जान दे दे। चुप हो जाए बबली, इतना हताश मत होई, चुप बताई ना रहुआ हमार मदद करब ना। देखी ना भौजी, हम जाई तो जाई कहा, वो मीठा रीता रिमझिम के ऊपर तक अभी तक
वो फूल जी के जादू सिर चढ़कर बोल रहल बा। ओकनी के हमरा बात पर बिल्कुल विश्वास न होई। और बचल गीता तो ओकरा की तो रहुआ जानत है कि वो कौना माटी के बनल बा। सुनते ही मार पिटाई पर उतारू हो जाई। और ऐसा कहला से बात और बिगड़। अब बचल भैया उनका के ये सब कहला के हिम्मत हमरा अंदर नहीं के बताई हम जाई तो जाई कहाँ। तो एकदम चिंता मत करी बबनी। जब मुसीबत आवेला तो ओकरा से निकले के कोनो ना कोनो रास्ता भी मिल जाला। हम देखता नहीं कि हम का कर सके। हमरा तो बिल्कुल भनक ना रहला कि फूल जी इतना बढ़न और बेकार आदमी पाड़े। फूल जी रहुआ वादा करी कि ये बात क्यों के भी ना बताई। हम बहुत भरोसा करके ये सारी बात बतोले बनी। रहुआ निश्चिंत रही बड़की बमनी। हम राउर विश्वास कब्बो ना टूटे थे।